एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग से दिलमा खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम से बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं ये आपको रास्ते में बताते हैं। तो चलिए चलते हैं पापा जी के साथ, आपको घुमाने लेकर चलते हैं। और ये देखिए हमारी सवारी चल दी। और ये देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा ढाबा है ना, यहाँ पे ज़रूर खाऊंगी एक दिन मैं खाना। और यहाँ पे देखिए तरबूज मिल रहे थे लेकिन हमने नहीं लिए क्योंकि ये महंगे दे रहे थे। और क्या, हमने इनसे पूछा पर इन्होंने नहीं दिए। उससे पढ़कर फिर हमने आगे देखा, यहाँ बनाना थे, बनाना हमें यहाँ पर नहीं चाहिए थे क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में बिल्कुल भी। तो हम बढ़ दिए फिर आगे की ओर। और पापा पहुँच गया पेट्रोल पम्प, यहाँ पर पापा जी पेट्रोल डलवा रहे थे अपने गड्डी में। और मैं यहाँ पे पापा की वीडियो बना रही थी पीछे से, कितनी भीड़ हो रही है ना। और ये देखिए बाउंड्री से, मुझे पेट्रोल पंप की बाउंड्री से यहाँ पे मुझे इतनी भैंसे दिख रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं ये ग्राउंड में कहाँ है बाबा जी, कहाँ है। कोई बात नहीं, पर आप इसमें दिख रहे हैं। अच्छा, तेल डालना है। ये देखिए यहाँ पे पापा ने पूरा मेजर ही फुल करा लिया, बोला पूरा भर दो। और फिर पापा ने पेमेंट किया और हम भी वहाँ से निकल लिए। और यहाँ मैंने देखा ऊँट, कितना अच्छा लग रहा है, इतना सजा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है राजस्थान से सीधा यहीं के और टेक ऑफ हुआ है। फिर हमने भैया से बनाना लिए, यहाँ के बनाना हमें ठीक लग रहे थे तो हमने सोचा चलो यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हमें दिख गया गन्ने वाला, गन्ने का जूस वाला मतलब। और मैंने इतना स्ट्रगल किया इसको पीने में। और फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आगे देखने ज़रा मेरे साथ क्या हुआ। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने अबाया पे ही गिरा लिया, छोटी बच्ची हूँ मैं। और फिर हमने सोचा चलो घर के लिए भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पापा जी पैक करा रहे थे गन्ने का जूस, और फिर भैया जी ने पैक कर दिया और हमने इसको लेकर हम पहुँचे अपने घर। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर पर आ गए हैं लेकिन हम जो चीज़ लेने गए हमें वो तो मिला नहीं, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो हम ले आए गन्ने का जूस क्योंकि डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और आलिफा की हेल्थ भी थोड़ी ऐसी है तो उसको जूस की बहुत ज़रूरत थी। तो हम उसके लिए गन्ने का जूस ले आए अभी, चलो अब उसको पिला देते हैं फटाफट से। तो ये रही आरिफा अपना गन्ने का जूस एंजॉय करते हुए। आरिफा मूछें बन गई, अच्छा लग रहा है, ठंडा है, बर्फ थोड़ा कम डलवाया था। आपको एनर्जी आई नहीं आई थोड़ी बहुत? आ जाओ थोड़ा सा और पी लो पा, और पी लो थोड़ा सा, बस इतना सा। अभी आ रही है सना, यार पी रही हैं और सना बस अभी आती होंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। मेरा भाई है छोटा, मतलब कज़न है मेरा जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, बहुत छोटा है। आप लोग दुआ करें वो जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि बहुत प्यारा भी है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कितना छोटा है। और मेरे साथ सना भी जा रही है देखने के लिए, हम लोग उसकी आयादत करने जा रहे हैं। अब देखते हैं वो कैसा है। काफ़ी दिनों से उसे देखा नहीं है। और यहाँ देखिए जब हम घर से निकल रहे थे हमें कौन मिला, ऑगी के दोस्त कॉकरोच। यहाँ पर ये दो ही थे, तीसरा गायब है। और हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए और देखते ही देखते हम हॉस्पिटल पहुंच भी गए। ये देखिए एंट्रेंस हॉस्पिटल का। तो फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल आ गए और ये देख रहे हैं आप, इतना डेंजर है ये, बहुत ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करके इस पे चढ़ना होता है। कैसे हो बाबू, बताओ कहाँ पर हो आप, ठीक हो? दिखा दो ये क्या हो गया, ये दिखा दो इन्हें, दिखा दो ये दिखा दो, ये इनको करके दिखा दो ना, आता नहीं है ना। कैसे करते हैं बताओ। हाय बाय कर दो, हाय बाय, ये वाला मैं, ये वाला हाय, वो वाला हाय बाय, हाय बाय, हाय बाय, ये हैंडशेक कर लो, हैंडशेक एक्शन में करते हैं बिल्कुल फुल। ये देखिए मैंने हेलमेट पहन लिया मोहम्मद उज़ैफ को हंसाने के लिए। हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोगों ने उसकी आयादत कर ली, आपको ने भी देखा होगा वो कितना छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का है। आप लोग दुआ करें जल्दी से वो ठीक हो जाए।
और ये देखिए सना की चाल, एक एक कदम फूक फूक के रख रही है ये लड़की। और हम नीचे आ गए और हम गए निकल हॉस्पिटल से, अब चलते हैं अपने घर। ये देखिए ये है प्रताप हॉस्पिटल। इस रोड पे इतने हॉस्पिटल हैं, मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद इस रोड का नाम ही पड़ जाएगा हॉस्पिटल रोड। प्रताप हॉस्पिटल के सामने ही है प्रताप लॉन। देख रहे हैं आप, ये देखिए। वापस मिल गए यहीं पे, और इसका साथी पता नहीं इसे छोड़ के कहाँ चला गया। तो हम लोग घर आ गए हैं अब, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से तो बेहतर है। अब बस वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए और एकदम से हेल्दी हो जाए फटाफट से। बच्चे बीमार होते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बीमार कोई भी अच्छा नहीं लगता है वैसे, इसलिए हेल्दी खाएं और हेल्दी बने रहें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।